नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर हर जगह खुशी का माहौल। आपको बताते चले कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर देश भर में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। खुशी के इस क्रम में अमेठी जनपद के जगदीशपुर ब्लॉक के ग्राम जलालपुर के लोगों के अंदर भी काफी उत्साह देखा गया। वहां के आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद प्रत्याशी राहुल शर्मा द्वारा ग्राम सभा के सभी मंदिरों पर 501 दीप प्रज्वलित करके प्रसाद वितरण किया गया। राहुल शर्मा प्रधान प्रत्याशी का कहना है कि 500 वर्षों से जो लड़ाई चल रही थी वह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन करने के साथ ही समाप्त हो गई और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हुई। और राहुल शर्मा ने कहा कि मेरा आप लोगों से यही संदेश है कि आप सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। इस कार्यक्रम में जलालपुर के प्रधान प्रत्याशी राहुल शर्मा के साथ साथ मिलन विश्वकर्मा, शिव कुमार लोधी, सुरेश पासी, अजय मिश्रा, पंकज संजय विश्वकर्मा, राजेश देवराज, रजनीश श्रीवास्तव आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 के साथ ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ भक्तों के अंदर इतनी उत्साह है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अयोध्या में, भूमि पूजन करके गए हैं वो। और सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कि भूमि पूजन कार्य को सफल बनाया। आज जनता में इतनी उत्साह है, भक्तों में, राम भक्तों में इतनी उत्साह थी कि आज मैं जलालपुर के जो प्रधान प्रत्याशी राहुल शर्मा हैं, इन्होंने 501 दीप उत्सव अपने पूरे ग्राम सभा में इन्होंने प्रज्वलित किया। जितनी मंदिर इनकी ग्राम सभा में थी, आज इन्होंने 105 दीप उत्सव प्रज्वलित कर काफ़ी अच्छा काम किया है, जिससे लोगों की आस्था बरकरार रहे। प्राइम राम प्रसाद शुक्ला के साथ 24।